सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले पीरामल फार्मा लिमिटेड से स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक 2 रुपए 25 पैसे की तेजी दिखा चुका है और स्टॉक 1.5% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के 1 सप्ताह के अंदर स्टॉक में 0.5% की तेजी देखने को मिली है, तो वही 1 महीने के अंदर 20%, 3 महीने में 19%, 6 महीने में 68% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिली है। लगातार देखें तो अब इस स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक का नीचे के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बना 90 रुपीज। 90 रुपीज के इस पॉइंट पर स्टॉक में एक इम्पोर्टेंट डबल सपोर्ट बॉटम बना, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में एक टॉप लगा 122 रुपीज, 122 रुपीज के इस स्टॉक में टॉप लगा, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर पीछे के 3 दिनों में देखें तो स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब स्टॉक का नीचे के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 110 रुपीज। अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 110 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 165 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।